नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर। तो सिपाही भर्ती प्रक्रिया टली, एनआईसी नहीं तैयार कर सका सॉफ्टवेयर, लग सकता है 10 दिन का समय। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। पूरा अपडेट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या कि प्रदेश में 51,216 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तैयारी धरी रह गई। बृहस्पतिवार से ऑनलाइन फॉर्म लिए जाने थे, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते प्रक्रिया यहाँ पर शुरू नहीं हो सका है। अब यहाँ पर क्या है कि अब इसमें 10 दिन या उससे अधिक समय लग सकता है। उधर प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने दावा किया कि फॉर्म भरने की तारीख भले ही आगे बढ़ गई, लेकिन परीक्षा टाइम पर यहाँ पर आपकी कराई जाएगी, यानी कि परीक्षा का जो डेट है उसी टाइम पर परीक्षा आपका होगा। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन GP शर्मा ने बताया कि कुछ तकनीकी वजहों से सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म में समस्या है और जल्द ही इसे दूर किया जाएगा और फिर बोर्ड की वेबसाइट पर शेड्यूल यहाँ पर डिटेल में दे दिया जाएगा और इसमें कितना समय लगेगा इसे जो है NIC हरी झंडी देगा, तभी यहाँ पर ये कार्यक्रम पूरा डाला जाएगा। ठीक है, साइट पर अभ्यर्थियों को आयु वर्ग में छूट की कट ऑफ लिस्ट तैयार करने में NIC को दिक्कत आ रही है। बोर्ड के सामने परेशानी यह है कि कोड में वादा किया गया था कि 1 जुलाई 2017 को पात्र अभ्यर्थियों को जो है मौका दिया जाएगा, जबकि नियमावली में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। विज्ञापन में क्या है कि विज्ञापन भर्ती का विज्ञापन जिस वर्ष निकाला गया था उस वर्ष 1 जुलाई को अभ्यर्थी की 18 से कम और 22 से अधिक नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर भी उसी नियमावली के तहत बनाए गए थे, लेकिन वह 1 जुलाई 2017 के अभ्यर्थियों को पात्र मानने को तैयार नहीं है। NIC के सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगभग 1 महीने से इसी में माथापच्ची में लगे हैं और यही समस्या है कि जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती के लिए भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, इन दोनों पदों के लिए 2016 में निकाली गई भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी और कहा गया था कि उन्हें इन पदों के लिए निकलने वाली अगली भर्ती में मौका दिया जाएगा और इस नाते भी NIC को ऑनलाइन फॉर्म तैयार करने और उसे व्यवस्थित करने में दिक्कत आ रही है और जब तक हरी झंडे नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर ये वेट करना पड़ेगा, यानी कि 10 दिन का समय अभी और यहाँ पर लग सकता है। बाकी आपका जो भी डेट है पेपर का वो ऐसा के वैसा ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी यहाँ पर चेंजिंग नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये आपका एक बहुत बड़ा अपडेट है यूपी कांस्टेबल को लेकर। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 दिन का समय यहाँ पर लग सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और वेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।